हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकब्रेन। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? जैसा कि आपने पता है कि KBS का जो इंटरव्यू होने वाला है उसका सबसे मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो 100% पूछा ही जाना है, या कहें कि कोई एक दो कैंडिडेट से शायद ना पूछा गया हो, नहीं तो ये बेसिक क्वेश्चन है और इसको ना जाने कितने YouTube चैनलों से आप लोग देख भी चुके हो। तो फ्रेंड्स, फिर से इसी पे डिस्कशन के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहली बात तो यही उठती है कि क्वेश्चन को पूछा कितने तरीके से जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा सकता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हो सकता है कि क्वेश्चन को ये पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है कि व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो सकता है कि मतलब इनमें से कुछ भी किसी भी तरीके से पूछो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके सटीक आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KBS, या KBS के आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ KBS की बात हो रही है तो KBS को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम कहीं इंट्रो देते हैं अपना, तो हम थैंक्स बोलते हैं उस पैनल को जो हमसे इंट्रो ले रहा है। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि माई सेल्फ और उसके बाद अपना नाम, ये माई सेल्फ नहीं आता शुरू में, कभी भी नहीं आता। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आई एम अपना नाम, या माई नेम इज, जैसे कि मेरा नाम आई एम पुष्पेंद्र कुमार, इस तरह से, या माई नेम इज पुष्पेंद्र कुमार, इस तरह से आपको बोलना है। पहली लाइन सटीकता बहुत मायने रखेगी, आई कॉन्टेक्ट कि आप उनको देख के बोलें, कहीं भी आर्टिफिशियल ना लगें, पूरी तरह से नेचुरल रहें। अब जैसे कि अपना नाम बता दिया, जैसे मैंने बोल दिया आई एम पुष्पेंद्र कुमार, फिर इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बता देंगे। जैसे कि माई क्वालिफिकेशन इज MSc BEd फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। एनीवे आपका जो भी है आप उस हिसाब से उसको बता देंगे। मैं साथ के साथ आपको प्रेफर करता चल रहा हूँ कि किस तरह से बोलें। फ्रेंड्स, अगली बात आपकी आती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली जैसे कि आई एम फ्रॉम अलीगढ़ यूपी, मैं अलीगढ़ से यूपी से, आप जहाँ से हैं वहाँ से आप उसको मतलब बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बात आप अपनी स्ट्रेंथ को इसमें रखें। मेरा अपना मानना है वीकनेस को नहीं रखना चाहिए, हालांकि ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वीकनेस या व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, ये अलग से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, लेकिन यहाँ अपनी स्ट्रेंथ को तो आप बेसिकली बता के चलें, या आपको जो बेसिक नॉलेज है उसको बता के चलें। जैसे कि आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, कम से कम होना भी चाहिए, KBS के लिए तो कंपलसरी भी है। सेकेंड, अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे स्ट्रेंथ किसी की कुछ है किसी को, जैसे तो नहीं कि सेम होती है, मान के चलिए कोई जल्दी सीख लेता है तो आई एम ए क्विक लर्नर, या फिर आप मान के चलिए कोई सेल्फ मोटिवेटेड है तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, या जो भी हैं आप जो हैं वो एक्चुअल में, आप बनावटीपन बिल्कुल मत रखिए वहाँ, जो आप नेचुरली हैं वैसा आप बनिए। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। जैसे किसी की हॉबी जो है वो, जो जनरल हॉबी आपकी, ऐसा नहीं कि हॉबी कुछ और है और बोल कुछ और है। मान के चलिए आपको सिंगिंग सॉन्ग्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, या वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, आपको जिस फील्ड में एक्चुअल नॉलेज है, प्लेइंग क्रिकेट, ड्राइंग, पेंटिंग, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है और आप उसी को बता रहे हो कि अपनी हॉबी है, क्योंकि उस हॉबी से 100% फिर क्वेश्चन अराइज होना, और जब क्वेश्चन अराइज होगा तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। मान के चलिए आपने कहा कि मुझे सर गाने सुनना बहुत पसंद है फ्री टाइम में, मतलब लिसनिंग म्यूजिक दिस इज़ माय हॉबी, तो वो बोल दें कि आप एक गाना सुनाइए, कोई सॉन्ग सुनाइए, तो कम से कम वो आपको आना चाहिए। या आपने कहा कि रीडिंग बुक्स माय हॉबी, तो आपको बुक्स जब रीड करते हैं आप, तो कोई एक बुक पूछ सकते हैं, मान के चलिए आपने कौन कौन सी बुक रीड करी है, या फिर उस रीड करी हुई बुक्स में से मान के चलिए आपने कहा कि मैंने सर गोदान पढ़ा है, तो गोदान किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने, या फिर और कोई उनके समकालीन और भी कोई पोइट्स रहेंगे कभी रहेंगे, तो आप उनका उनके बारे में बताइए कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। अब अगर मान के चलो आपको थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन को डिटेल्ड में देना, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आई हैव पास्ड माई 10th फ्रॉम UP बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, CBSE, ICSE, जो भी बोर्ड आपका, तो आप उस तरह से आप उसको ले सकते हैं। 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन किससे किया है, हालांकि उतना ज़्यादा बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपनी क्वालिफिकेशन को बताएं कि मैं यहाँ तक हूँ, और लास्ट जो आप कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन को आप बता सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी से या इस बोर्ड से इसको कर रहा हूँ। अगला फ्रेंड,
कि मतलब ज़्यादा इंटरव्यूअर के सामने हमें ज़्यादा भी नहीं बोलना है। अब जैसे कि हम बताएं कि हाँ हो सकता है अगर आपको लेना है तो दो लाइन बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि माय फादर इज अ फार्मा डॉक्टर इंजीनियर जो भी हैं टीचर वगैरह एक्स वाई जी, मदर इज हाउस वाइफ टीचर वगैरह जो भी एक्स वाई जी, इस तरह से आप दो लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि आपके फादर क्या कर रहे हैं मदर क्या कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है कि आप क्या करते हैं यानी आपके अंदर क्या टैलेंट है वो जानना चाह रहे हैं, वो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको निकालना चाह रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस अराइज करना चाह रहे हैं वो। तो मीन्स आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब मान के चलिए आप कहते हैं कि आई एम क्विक लर्नर सपोज करें, तो वो ये भी तो पूछ सकते हैं कि आप या आई एम हार्ड वर्किंग या कुछ भी आपने जो भी दिया है। आप मान के चलिए आपने कहा कि आई एम ऑप्टिमिस्ट पर्सन, आई हैव पेशेंस, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपनी स्ट्रेंथ में रख रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन बनना है आगे। मान के चलिए आपसे वीकनेस पूछी जाती है और आप उस वीकनेस में कह दें कि मतलब मेरी जो वीकनेस है मैं सर इमोशनल हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, मैं लिटिल बिट टॉकेटिव हूँ, थोड़ा बातूनी हूँ, या इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सर मैं फूडी हूँ, कुछ लोगों को आदत होती है वो ज़्यादा खाना खाते हैं। मीन्स आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे निगेटिव इंप्रेशन आपके इंटरव्यू में जाए। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बस वीडियो को ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसे अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर भी कीजिएगा।